नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। और दोस्तों, अल्ट बालाजी और C5 पर एक और ओरिजिनल वेब सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है बेबाकी। और इस वेब सीरीज में लीड में नजर आ रहे हैं कुशाल टंडन, शिव ज्योति राजपूत और करण जोतवानी। दोस्तों आपको बता दूं, ये शो भी एकता कपूर का शो है। इसलिए अगर इस वेब सीरीज की बात करूं तो दोस्तों ये वेब सीरीज एक टिपिकल रोमांटिक वेब सीरीज है, क्योंकि एकता कपूर के शोज होते हैं। आपको दोस्तों इस वेब सीरीज में इमोशंस दिखेंगे, फैमिलीज दिखेगी, प्यार दिखेगा और का भी दिखेगा। वह दोस्तों वेब सीरीज में क्या कुछ खास है और आपको ये वेब सीरीज देखना चाहिए या नहीं, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टोरी फैमिलियर लगती है, तो कहानी बिल्कुल रोमांटिक है, लेकिन दोस्तों इसमें रिवेंज का तड़का डाल के इसे बनाया गया है। स्टोरी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, सुफिया यानी कि कुशाल टंडन और कायनात यानी कि शिव ज्योति। सुफिया एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और जिसका खुद का एक डिजिटल मीडिया हाउस है। उसे हर वक्त खबरों की तलाश रहती है और उसका फोन गुम हो जाता है और फोन मिलता है कायनात को यानी कि शिव ज्योति को। तो कायनात भी एक छोटे से मीडिया हाउस में काम कर रही होती है और इन खबरों के सिलसिलों में दोनों की मुलाकात होती है। और कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब एंट्री होती है इम्तियाज की यानी कि करण जोतवानी की। दोस्तों इम्तियाज सुफियान का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और वो उसे अपने भाई जैसा प्यार करता है, लेकिन इम्तियाज भी कायनात को चाहता है और सुफियान कायनात को चाहता है। अब दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है और आखिरकार कायनात किसे चुनेगी, ये तो दोस्तों आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। वो दोस्तों अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कुशाल टंडन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कुशाल टंडन की हाल ही में अनलॉक्ड मूवी आई थी और उसमें उन्होंने जैसी एक्टिंग करी थी दोस्तों, उससे तो कई ज्यादा अच्छी इस वेब सीरीज में एक्टिंग दिख रही है। कुशाल टंडन ने इसमें एक अमीर लड़के का किरदार निभाया है जो कि थोड़ा गुस्सेल टाइप है। वह दोस्तों शिव ज्योति राजपूत ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया है और अपने रोल में वो ठीक ठाक लग रही हैं। कुशाल और शिव ज्योति की केमिस्ट्री भी ठीक ठाक लग रही है दोस्तों। वही दोस्तों करण जोतवानी ने अपना रोल बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है और उनके एक्सप्रेशन भी बहुत शानदार तरीके से नजर आ रहे हैं। दोस्तों के रूप में वो काफी अच्छे लग रहे हैं और अपने रोल को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। वही दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले और राइटिंग की। तो दोस्तों राइटिंग के बारे में मैं क्या कहूँ, इस सीरीज की सबसे बड़ी कमी दोस्तों इसकी राइटिंग ही रही है। ऐसी टिपिकल सी स्टोरी हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं और कुछ भी इस वेब सीरीज में नया नहीं है। स्टोरी बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है, शुरुआत से आखिर तक आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। वो दोस्तों इसकी एडिटिंग काफी अच्छी है, काफी शॉर्ट में सारे एपिसोड को बनाया गया है। वो दोस्तों इसकी सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है, जिस तरीके से वादियों में इस वेब सीरीज को शूट किया गया है वो दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है। और इसका म्यूजिक भी बहुत शानदार है, दो वजह है जिसके कारण दोस्तों आप ये वेब सीरीज देखने की हिम्मत करेंगे। ओवरऑल दोस्तों वेब सीरीज ठीक ठाक है। आपको इसमें कई सारी ब्रिलियंट लोकेशंस मिल जाएगी, इसमें ब्रिलियंट म्यूजिक मिल जाएगा और थोड़ी बहुत एक्टिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आप रोमांटिक सीरियल्स देखते हैं और आपको रोमांटिक कहानियां पसंद आती है तो दोस्तों ये वेब सीरीज आपके लिए है। और कुशाल टंडन के फैन भी है तो दोस्तों आप इस वेब सीरीज को जरूर देखिएगा, वरना दोस्तों आप इस वेब सीरीज को स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसमें कोई भी सस्पेंस थ्रिलर टाइप कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों इसकी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों मैं इसे 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। और दोस्तों अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।